Everyone, welcome to my Miss World. तो अभी रात के बज चुके, मैं पीछे से दिखी 8:30 बज के है आज। एवरीवन वेलकम टू मम्मीज वलयान। तो अभी फटाफट काम कर रही हूँ। सुबह सुबह कपड़े भिगा दिए थे कल रात को ही मैंने, एक वॉश करके रख दिया था। अभी सिर्फ पानी से खंगालना था, वो भी मेरा सब कुछ सुबह जल्दी उठ के हो गया, क्योंकि आज मुझे आयन को फ़ोटो निकलवाने लेके जाना है स्कूल के पहले। तो हमारे सामने फ़ोटोशॉप है तो वहाँ पर लेके जाऊँगी उसे। आईडी कार्ड टीचर ने बोला है बनाना है इसके लिए, तो टीचर को फ़ोटो देना है। अभी बारिश के आसार आज भी है तो मैंने स्टैंड को अंदर ले लिया। ऐसे घिचबिड़ होता है स्टैंड अंदर, तो आदत नहीं है 3-4-8 महीनों से। बारिश के पहले से वो बाहर ही रहता है तो घर में से पसंद ही नहीं होता है स्टैंड, तो अंदर बाहर चालू ही रहता है। तो फिर से मैंने बाहर लिया था, फिर से अंदर ले लिया। चलो चप्पल निकालो पहले बाहर। बैकग्राउंड मतलब स्कूल के लिए चाहिए? हाँ वाइट दे दो। आयन का फोटो निकाल के हो गया, उसे भेज दिया स्कूल। फिर मैं गई थी जरा शॉप में, मुझे ये लाना था स्पेशली आयन का, जो कपड़े सुखाने वाला वो चिमटी होती है ना, वो क्या बोलते हैं हैंगर, वो हैंगर के लिए मैं नीचे उतरी थी और लेकर आई ये थोड़ा सा। ये नया प्रोडक्ट दिखा मुझे टॉयलेट धोने का, तो वो एकदम ये है इको फ्रेंडली वाला ये है वो, और तो वो ले लिया। कुछ नहीं, ऑयल ले लिया क्योंकि डीमार्ट से लाया था बट स्टॉक के लिए मैं भूल गई, मैंने एक ही पैकेट उठाया तो ये अभी ले लिया पैकेट, तो अभी चल जाएगा मुझे। तो ये भी फेंक दूँ, पूरा गंदा ख़राब हो गया, टूट गए उसमें से क्लिप्स, तो ये वाला ले लिया। हमारे पीछे शॉप है पटेल का, उसमें मिल जाता है ये सब चीज़ें। तो सिर्फ इतना अंतर होता है कि डीमार्ट में प्राइस थोड़ा सा कम है और यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा 50-60 रुपीज़ ज़्यादा है। इधर स्टार दिया। अरे वाह वाह वाह, तू छान छान बेबी, गुड बेबी, वाह वाह गुड। आयन को स्कूल में टीचर ने स्टार दिया, वो दिखा रहा था मुझे, और उसे मैंने सब्जी रोटी दिया था, उसने पूरा फिनिश किया, वो मुझे वो दिखा रहा है और इतना एक्साइटेड है वो कि मैंने देख मम्मा टिफ़िन पूरा फिनिश कर दिया, देखो मम्मा, और इतना खुश खुश हो रहा था। ताकि मैं उसे बहुत किसिस करती हूँ, उसके बाद उसे गले लगाती हूँ, तो उसे से बहुत अच्छा लगता है। बस तो यहाँ पे अभी हम लोग आ गए मम्मी के पास, और मम्मी के पास बहुत दिन हो गए थे नहीं आई थी, तो आज उन्होंने ऐसा डोसा का प्लान भी किया था। तो सुबह दोपहर को हमने इडली खाई थी, और अभी स्पेशली मैंने पापा को बोला मुझे उत्तप्पा खाना है, तो हम छोटे थे तो पापा ही बना के देते थे, तो बोला ठीक है चलो। तो कांदा टोमेटो और क्या लिया है उन्होंने, हाँ हरी मिर्च डाली है और धनिया, तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ये डाला और नमक। बस इतने ज़बरदस्त बने थे, मैं क्या बोलूँ, और इतना मज़ा आया मुझे खाने के लिए। एवरीवन वेलकम टू मम्मीज वलयान। तो अभी रात के बज चुके, मैं पीछे से दिखी 8:30 बज के है आज। मैं बहुत दिनों बाद मम्मी के पास आई, तो थोड़ा सा बैटर पड़ा था, तो हम अभी स्पेशल यार मेरे लिए पापा उत्तपम बना रहे। हम बहुत छोटे छोटे थे तो पापा ही हमेशा बना के देते थे, तो मैंने आज स्पेशली डिमांड किया आज आप ही बनाओ, तो बना रहे, तो बोला थोड़ा सा रेसिपी भी शूट कर लो। आयन का और मम्मी का कुछ तो अलग ही चालू है। बस तो वो तवा गरम करके उसमें ऑयल डाल के वो बैटर ऐसे फैला देना है,
तो हम जाड़ा जाड़ा कर देते हैं, पप्पा ही मस्त पतला पतला करते हैं हमेशा। तो वो सैंडविच और ये डोसा ये पप्पा ही करते हैं, जो वेजिटेबल सैंडविच होती है सारा असेंबलिंग करना, सब सब कटिंग चॉपिंग सब पप्पा करते हैं। तो हम बहुत छोटे थे तो ऐसे बहुत हमें मज़ा कराया है पापा ने, मज़ा आता था बहुत एकदम। अभी कैसे सब जिम्मेदारियाँ आ गई, पूरा घर का काम, बच्चों की पढ़ाई, तो पापा के उधर मम्मी के पास जाती हूँ तो उतना ही मतलब रिलैक्स लगता है। मैं अभी सुबह जाती हूँ 2 बजे दोपहर को और रात को 9-10 बजे रिटर्न, तो ऐसा। तो अभी रात को रुकने का मेरा इतना आता ही नहीं है। तो अभी मेरी सिस्टर आई थी, मेरे भाई का भाभी का बर्थडे था तो तब मैं रुकी थी इतना टाइम बाद, करीबन हो गया होगा 6-8 महीने ऊपर मैं गई नहीं हूँ, रात को रुकी नहीं ऐसा। और अभी ऐसा मन भी नहीं करता इतना ज़्यादा, अच्छा लगता है बट रात को ऐसा लगता नहीं हम हमारे घर पे ही जाए ऐसा हो गया, तो इतना अच्छा लगा। सजावी ना होती का मम्मी, हमें नाना नाना होता तो पप्पा जो हम प्लेट सजावी देता पप्पा हम प्लेट सजावी देता हमने तो ऐसे पहले से ही मुझे तो एकदम हाथ में ही खाना मिला है, मैंने इतना कुछ काम नहीं किया। तो देखो आज भी पापा इसे मुझे हाथ में ही देते, तो मम्मी इतना मुझे काम नहीं कराती थी, ना अभी कराती है ना पहले कराया है उसने, थोड़ा बहुत बर्तन वर्तन घिसना वही मैं करती थी। और एकदम बोलते ना रॉयल तरीके से मैं रही हूँ, जैसे मतलब शॉर्ट्स पहन, ना जीन्स पहन, ना स्कर्ट्स पहनने, टॉप्स पहनने, तो ऐसे में रहती थी मैं, कुछ काम नहीं, इतने मज़े से रहती थी। अभी भी मुझे हस्बैंड मेरे कभी कोई चीज़ों में टोकते नहीं है, तो ऐसा मुझे इतना कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है। तो ऐसे मस्त पहले के दिन थे तो याद आ गए, तो हम लोग ऐसे ही मतलब वो बातें भी कर रहे थे, मैं कैसे रहते थे हम लोग वो सब, तो ऐसा था आज का।